हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशल पहाड़ी रेसिपी, जो कि है झंगोरा की खीर। झंगोरा की खीर उत्तराखंड की लोकप्रिय खीर है। इसे हम फास्ट में भी बनाते हैं और इसको हिंदी में सामा कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंडियन बर्नयार्ड मिलेट या बिलियन डॉलर ग्रॉस कहते हैं। इसका जो बॉटैनिकल यानी कि जो वानस्पतिक नाम है, इक्निक्लोवा फ्यूमेंटेंसिस का वानस्पतिक नाम है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व मौजूद होते हैं। और जो शुगर के पेशेंट हैं या फिर जो लीवर के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होती है। बाकी इसे अलग अलग लैंग्वेज में इसे क्या क्या बोलते हैं और ये हमारे लिए क्यों हेल्दी है, वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं इतना नहीं बता सकती वीडियो में, क्योंकि मुझे रेसिपी भी बतानी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट करिएगा। ये है झंगोरा यानी कि सामा। ये हल्का येलो येलो लग रहा है क्योंकि ये घर का ओरिजिनल है। मार्केट वाला थोड़ा पॉलिश किया हुआ रहता है तो वो एकदम वाइट दिखता है। अब इसको अच्छे से धो लेंगे। इसको मैं अच्छे से धो चुकी हूँ। अब मैं डालूँगी इसको कुकर पे, क्योंकि खीर मैं कुकर पे ही बनाने वाली हूँ, इस पर जल्दी बन जाती है। और इसमें जो पानी हम लोग रखेंगे वो नॉर्मल ही रखेंगे, जितना हम चावल में रखते हैं। आप देख सकते हो चावल के बराबर ही हमें इसमें रखना है। बस हमें थोड़ा गीले चावल जैसे बनाते हैं उतना ही इसमें पानी रखना है। इसमें बस तो सीटी आने देंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे, क्योंकि हम इसको चावल के जैसे पहले बनाना है। ड्राई फ्रूट मैं पहले से ही कट करके रखी हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 इलायची। इससे खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप लोग देख सकते हो कि झंगोरा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध को पहले बॉयल्ड कर लें, उसके बाद इसमें डालें, क्योंकि मैं जो दूध यूज़ करने वाले वो है टेट्रा, तो ये ऑलरेडी बॉयल्ड रहता है तो मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगी। आप लोग प्लीज़ पहले दूध बॉयल्ड करें, उसके बाद इसमें दूध ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको कंटिन्यू बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे न लगे, नहीं तो जल सकता है। ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क मेड। ये मिल्क मेड मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। ये थोड़ा जम गया है क्योंकि फ्रिज में था, बट इसमें हम मिल्क मेड थोड़ा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो दूध है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो मिल्क मेड थोड़ा ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची, 4 से 5 इलायची मैं इसमें डालूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि इलायची से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है।
अब इसको अच्छे से पकने देंगे। अब खीर अच्छे से पक चुकी है, आप लोग देख सकते हो। आप इसको अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं, मुझे ऐसे मीडियम ही पसंद है, ना पतला ना गाढ़ा, तो मैंने इसे ऐसे ही रखा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको थोड़ी देर और पकने देंगे क्योंकि शुगर डालना है तो उसको मिक्स होने में टाइम लगेगा और शुगर पानी छोड़ देता है, तो इसको थोड़ा और पकने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी केसर यानी कि सैफ्रॉन। इसकी बस मैं 3 से 4 कलियाँ ही डालूँगी। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कंटिन्यू बीच बीच में चलाते रहें क्योंकि मिल्क में डाला है तो वो नीचे लग सकता है। अब ये अच्छे से पक चुका है, अब इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट। वीडियो थोड़ा इधर उधर मूव कर रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं बेटे को गोदी में लिए ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। बच्चे के साथ ये सब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ में, बट फिर भी हम मेहनत करते हैं तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। अब खीर कंप्लीट पक चुकी है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर है बना है, इसे देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। और जितना सुंदर है दिखने में उससे भी टेस्टी है खाने में, तो इसे प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करें। और आपको ये कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस।